जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। रॉयल एनफील्ड ने अपनी क्लासिक 350 बाइक में डुअल चैनल एबीएस लॉन्च कर दिया है। और मैं आपको पहले ही बोल रहा था और कई बार बता चुका हूँ कि मार्च या उसके बाद कोई भी बाइक जो कि 125 सीसी या उसके ऊपर है, उसमें एबीएस गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से मैंडेटरी हो जाएगा। तो रॉयल एनफील्ड ने बड़ा अच्छा कदम लिया है और ये वीडियो इसी के बारे में है। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं, इस कंटेंट को देख रहे हैं, तो मेरा नाम है ब्रिजेश और मैं बाइक से रिलेटेड, ट्रेवल से रिलेटेड चीज़ें बनाता हूँ। वीडियो कंटेंट जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ और आपका प्यार ढेर सारा मुझे मिलता रहता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये बताऊँ कि कोई आपको बाइकर मिले या कोई बाइक राइडर मिले और आपसे ये कहे, भाई ऐसा है अपने घर में पैसा है, अपनी लाइफ में बस दो ही फंडे हैं भाई, अपने यार बाइक से प्यार, बाकी सब बेकार। तो दोस्तों, या तो वो आपसे झूठ बोल रहा है और या फिर उसके पास है रॉयल एनफील्ड। और दोस्तों, ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंस से सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि रॉयल एनफील्ड की ही लाइटअप में, अपनी खुद की लाइटअप में, इनको सबसे ज़्यादा बिकने वाली इनकी बाइक जो है वो है क्लासिक 350 और सबसे ज़्यादा प्यार इसी को मिला है। और शायद आप जानते हैं या नहीं, 2015 में और 2014 में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली बाइक जो कि टू व्हीलर बाइक की अगर मैं बात करूँ तो रॉयल एनफील्ड है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा सेल क्लासिक 350 की है। और अगर कभी भी आप लॉन्ग ट्रिप पे गए हों, पहाड़ों पे गए हों या किसी प्लेन मैदान में कहीं भी आप गए हों, और अगर आप बाइक्स पे ध्यान देंगे जो कि लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द बाइक्स जो आपको ये क्लासिक 350 ही मिलेगी। और चूँकि इतने ज़्यादा लोग इस बाइक को लेकर टूरिंग करते हैं तो बाइक में कई तरह के प्रॉब्लम्स भी लोगों को फेस करने पड़ते थे, और कंपनी ने भी इस तरफ ध्यान दिया। जो सबसे बड़ी कंप्लेन इस बाइक में होती थी वो होती थी कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक या किसी भी बेसिक सीरीज में, थंडरबर्ड और हिमालयन की अगर मैं बात ना करूं, तो इसमें फ्यूल इंडिकेटर या फ्यूल गेज नहीं होता था। और चूँकि लॉन्ग ट्रिप में काफ़ी लगेज लेके आपको चलना पड़ता है तो उसका अलग से इंतजाम करना पड़ता था, सैडल बैग्स वगैरह को सेट करना पड़ता था। अगर दोस्तों आपको याद हो, मैं पुरानी वीडियो में बताया था कि किस तरह से क्लासिक 350 में सिंगल चैनल एबीएस कंपनी लॉन्च कर सकती है, लेकिन चूंकि ड्यूअल चैनल एबीएस इन्होंने अपनी इस मॉडल में दे दिया है, तो वाकई में ये बड़ा ही बेहतरीन काम किया है कंपनी ने। और मैं भी देख के इसको हैरान रह गया क्योंकि इतनी परफेक्ट और कॉम्पैक्ट प्राइसिंग में सारे फीचर्स इन्होंने ऐड कर दिए हैं जो कि काफ़ी कंपिटिटिव होगा मार्केट में आने वाली बाइक्स के साथ। बेसिकली ये दो कलर में उतारी गई है और इसको नाम दिया गया है क्लासिक 350 सिग्नल्स। इट इज़ डेडिकेटेड टू इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। इसमें दो कलर हैं, जिसमें आपको एक ब्लू कलर वाला वर्जन जो मिलेगा उसका नाम है एयरबॉर्न ब्लू, और जो खाकी कलर में जो वर्जन है जो कि आपको पेगासस मॉडल का एक आपको फील देखने को मिलता है, या फिर आपको डेजर्ट स्टॉर्म वाला जो कलर है जो आपको देखने से लगेगा, या चाहे डेजर्ट स्टॉर्म है या पेगासस है, बिल्कुल ये दोनों ही नहीं है। इस वाले मॉडल का नाम है स्टॉर्म राइडर सैंड। और ये है सेक्टर 48 में मंजिल मोटर्स का शोरूम, और यहाँ पे मैं रॉयल एनफील्ड के एक ऑफिशियल मिस्टर खांबा सर हैं, उनके साथ हूँ, और ये हमारी नई लॉन्च बाइक के बारे में कुछ जानकारी देंगे। सर प्लीज। हाई, गुड आफ्टरनून एवरीवन। रॉयल एनफील्ड हैज लॉन्च्ड टू न्यू मॉडल्स इन क्लासिक 350 कैटेगरी। This color is called the classic Storm Rider Sand, and that color is called Airborne Blue. So this bike has been launched today successfully, and few things I'm going to explain about the features of this bike. So for the first time in Royal Enfield, see the features bike has comes up with the ABS. ABS is here, you can see. These are the two features add-on in this bike. And for the first time in 350, this color has been come up. And see, you can see the logo of this bike. This logo has been taken from the Pegasus. It's a very beautiful bike. The on-road price would be landing around 1,74,974 rupees for this model.
Yes, which is exclusive of accessories. Okay. The same price for this one also? Yes, same price for both the prices on the bike. 1.74 around. What? 1.74, 974. Yeah, around 1.75. Yeah. कई तरह के कॉस्मेटिक चेंज दोस्तों इसमें दिए गए हैं। अगर मैं आपको दो तीन चीज़ें बताऊं, जैसे ये टैंक में ढेर सारी चीज़ें हैं, पैचेस, बैज, नए स्टिकर्स वगैरह लगे हैं, इनको थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। अब जैसे ये नंबर है, लंबा सा एक सीरियल नंबर आपको देखने को मिल रहा है, ये सीरियल नंबर इसका ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग सीरियल नंबर होता है। जब कोई भी बाइक, पर्टिकुलर ये बाइक जो आपके हाथ में होगी, वो प्रोडक्शन नंबर है उसका, और ये प्रोडक्शन में जब आती है तो उसका एक नंबर अलॉट होता है और वही नंबर उसके प्रोडक्शन के सारे प्रोसेस में उसके साथ चलता रहता है और फाइनल वो प्रोडक्शन नंबर टैंक पे प्रिंट होके आता है। ये कोई स्टिकर नहीं है, दिस इज़ बेसिकली अ पेंट। एक दो तरह के लोगोज और हैं, मैं आपको बता देता हूँ ये क्या लोगो है। अब जैसे ये 49 लिखा हुआ है, ये 49 जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि चूँकि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को डेडिकेटेड बाइक्स थी, इनकी स्टोरी ये है, इनकी हिस्ट्री ये है कि 1949 में 800 बाइक्स इंडियन मिलिट्री ने और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर रॉयल एनफील्ड, जो कि उसमें ब्रिटिश में कंपनी थी, उनसे परचेज़ की थी। और सबसे पहला ट्रूप जो इसको यूज़ करने वाला था हमारे इंडियन फोर्सेस में, वो 1949 में ही हुआ था। और उसका, उस फोर्स का लोगो, जो कि आप जानते होंगे हर फोर्स का अपना एक लोगो होता है, हर ट्रूप का अपना एक सिंबल होता है, एक चिन्ह होता है, एक निशान होता है, तो वो निशान आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर इस बाइक के स्पेशली फीचर्स की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। इसका पूरा थीम और पूरी बाइक क्लासिक 350 ही है और उसी पे डिज़ाइन किया गया है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें इसमें कॉस्मेटिक चेंज ही आपको दिखेंगी, और बेसिक दो तीन चीज़ें हैं जो कि इन्होंने ऐड ऑन किया हुआ है कंपनी ने, जो कि बहुत ही ज़रूरी थी और बहुत ही परफेक्ट टाइम पर इन्होंने ऐड ऑन किया है। सबसे पहली बात, इसमें ABS इम्प्लीमेंट किया है और ABS का इंडिकेटर दिया हुआ है। इसमें रिजर्व में फ्यूल आने पे फ्यूल इंडिकेटर भी ABS के ठीक बगल वाले कंसोल में दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसमें फ्यूल गेज नहीं है जो कि थंडरबर्ड या हिमालयन में होता है, इसमें फ्यूल इंडिकेटर है। अगर आपकी बाइक रिजर्व में आती है तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी बाइक में अब पेट्रोल भरवाने की ज़रूरत आन पड़ी है। इसमें पीछे पैनियर्स दिए हुए हैं जिसमें आप सैडल बैग को अच्छे से फिट कर सकते हैं। अगर आप सैडल बैग इसका ना भी लें, कोई आपके पास पहले से सैडल बैग है तो वो भी आप इसमें बड़े आसानी से रख सकते हैं। ये भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर बैग होते हैं और वो बैग हम निकाल भी सकते हैं और उसके ऊपर हम पैर भी रख सकते हैं। मतलब ये आपका साड़ी गार्ड नहीं निकालना पड़ेगा। हाँ। और इसके ऊपर से ये पैनल लग जाएगा जिसमें कि सैडल बैग आ जाते हैं। हाँ। जैसा कि हमारे पेगासस में है। या या। एक यहाँ पे फिट होगा। हाँ, एक यहाँ और एक बोल्ड यहाँ पे फिट होगा, एक यहाँ और एक। अच्छा, ये स्पेशल इसी के लिए है। तो ये पेगासस में भी यही लगता होगा? हाँ, बिल्कुल सेम। ओके, इसके बाद आप इस पे बैग लगा दोगे, है ना? अगर आप कभी गए हों लॉन्ग ट्रिप पे तो आपको पता होगा, आगे से जो एयर थ्रस्ट आता है, जो एक हवा लगती है आपके चेस्ट पे और चेहरे पे, वो बहुत ही हार्मफुल होती है। और इससे बचने के लिए इस बाइक में एक प्रोविज़न दिया हुआ है, और वो ये है कि इन्होंने इसमें इस बार विंडशील्ड का प्रोविज़न दिया हुआ है। आप ये विंडशील्ड ऑप्शनल है, ये ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। इसमें बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं किए गए हैं, बहुत बेसिक रखा गया है। उसका थीम क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस के अकॉर्डिंग रखा गया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्टिकर आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल प्लेन बाइक रखी गई है, जो आपका टूल बॉक्स है या एयर फिल्टर बॉक्स है वहाँ पर भी कोई भी स्टिकरिंग वगैरह नहीं की गई है। कंपनी के ऑफिशियल से मैंने बात की, जो चूँकि अगर आप देख रहे हो कि उसके पेंट के अलावा ये सारी की सारी बाइक ब्लैकआउट की हुई है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि इस बार जो इस बाइक पे पेंट हुआ है वो इंजन पर भी आप देखने को मिलेगा, पूरा थ्रू आउट इंजन। पहले इंजन के जो स्ट्रिप्स होते थे ये वाले, उन पे ये कलर नहीं मिलता था देखने को, लेकिन इस बार इस पे भी ये कलर है। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि ये जो एक स्पेशल तरह का आयनाइज्ड ब्लैक कलर है, और ये जो इंजन से हीट निकलती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है काफ़ी हद तक, और आपकी बाइक बहुत ज़्यादा गर्म होने से बच जाती है और आपको राइडिंग कम्फर्ट बहुत प्यारा मिलता है। क्लासिक 350 और 500 अपने सीटिंग कंफर्ट के लिए जानी जाती है, और इस बार भी कंपनी ने कोई भी इसमें चांस नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ
इसमें सीट का कलर बड़ा प्यारा और कर दिया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, रेड टिंट वाली ये सीट। इसमें वाइट स्टिचेज हैं जो कि देखने में और चलाने में बहुत कंफर्टेबल है। ये BS4 बाइक है तो इसमें बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूँ, दिस इज़ नॉट एन EFI मशीन, ये इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन मशीन नहीं है, इसमें कार्बोरेटर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, लॉन्ग ट्रिप पे या पहाड़ों पे जब भी आप जाएंगे तो कार्बोरेटर के अपने फ़ायदे होते हैं, कार्बोरेटर के अपने नुकसान होते हैं। जब भी आप ये बाइक ले रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, जहन में रखिएगा कि दिस इज़ नॉट एन EFI मशीन, दिस इज़ कार्बोरेटर मशीन। दोस्तों, इस बाइक का जो कलर है जिसका नाम है डेजर्ट स्टॉर्म डस्ट, जो कि खाकी कलर में आती है, आपको याद होगा ये एक बाइक की तरह लगती है बिल्कुल सेम, और आप सही सोच रहे हैं, ये लगती है रॉयल एनफील्ड पेगासस की तरह, और उसकी कहानी आपको मैंने अपने लास्ट वीडियोस में बताई थी, ये ऊपर जो लिंक आ रहा है उसमें देखिएगा आपको मिलेगा। और वो बाइक थी करीब 2.46 लाख की, जो कि 500cc की बाइक थी और सिर्फ 250 यूनिट ही यहाँ पर बिकने के लिए आई थी इंडिया में। वो बाइक जो नहीं ले पाए थे लोग, उनके लिए भी ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये बाइक काफ़ी हद तक रॉयल एनफील्ड पेगासस की तरह लगती है। इनके बैचेस, जो बैज है टैंक पे, वो भी उसी से लिया गया है, पीछे का जो सैडल बैग का सेटअप है बिल्कुल उसी की तरह लगता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ हुई है कि जो दोस्त, जो लोग, जो राइडर्स आपकी तरह, मेरी तरह, जो उसको लेना चाहते थे लेकिन नहीं ले पाए, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ हो गई। और इनफैक्ट चूँकि ठीक है 500cc वो बाइक थी, ये 350cc ही है, थोड़ी कम पावर की है, लेकिन इसमें ABS भी है, इसमें बहुत बड़ी बात है, इसमें ABS है और उसमें ABS नहीं है। तो जिन्होंने ले लिया चलो ठीक है, उन्होंने वो उनका एक्सक्लूसिव मॉडल है और वो शायद दोबारा किसी को ना मिले, लेकिन उसी की तरह बिल्कुल पेगासस की तरह ही लगती है ये जो डेजर्ट स्टॉर्म सैंड वाला मॉडल है। तो दोस्तों, ये तो रही इस बाइक के बारे में इन्फॉर्मेशन, जो कि मेरा पर्सनल कुछ रिव्यू था, ओवरव्यू था, जो भी आप इसको समझें। और ऑफिशियली इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं रॉयल एनफील्ड का कोई ऑफिशियल बंदा नहीं हूँ, तो जो भी मुझसे अगर इसमें वीडियो में कुछ गलतियाँ हुई हो दोस्तों, या कुछ पॉइंट मुझसे छूट गए हों, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। और हाँ, इसके बारे में, इस बाइक के बारे में या किसी और मॉडल के बारे में कुछ और आपको जानकारी चाहिए होगी या कुछ और आपके डाउट्स होंगे, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और मैं जाता हूँ, आपका सबसे ज़्यादा आपके जो कमेंट्स आने वाले हैं वो यही आने वाले हैं कि हिमालयन में कब आ रही है, और बाइक्स में कब आ रही है, नई लॉन्च हुई जो आपकी थंडरबर्ड एक्स है उसमें कब आ रही है। तो दोस्तों, अब मैं ये समझता हूँ कि अब सिलसिला शुरू हो चुका है, और चूँकि बहुत कम टाइम बचा है और बाइक्स ढेर सारी हैं जिसमें ABS को इम्प्लीमेंट करना है, कोई भी कंपनी हो, तो अब चूँकि बॉस से समझौता हो चुका है, साझा जिसको कहेंगे कि टाइप हो चुका है बॉश कंपनी से ABS के लिए रॉयल एनफील्ड का, तो अब हम देखेंगे कि हर महीने स्टेप बाय स्टेप कुछ नई बाइक्स में ABS आपको लगा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। और मैं थोड़ा क्यूरियस स्टैंडर्ड को लेके हूँ, मतलब जो रॉयल एनफील्ड की स्टैंडर्ड आती है, जो कि हमारे यहाँ पंजाब जलंधर में लोग उसके दीवाने हैं, जो ब्लैक कलर की आती है। और अब इसमें देखना ये है, इम्पोर्टेंट ये होगा कि इसमें डिस्क ब्रेक नहीं आते, और जिन बाइक्स में डिस्क ब्रेक नहीं आते हैं उसमें ABS इम्प्लीमेंट करने का एक ही तरीका है फिलहाल, जो मुझे समझ में आता है कि आप उसमें डिस्क ही लगाएंगे तभी ABS इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि वेल नोन चीज़ है। तो अब उसमें डिस्क आने लगेगा, मुझे ये लगता है आगे ही देंगे, फ्रंट में देंगे, सिंगल ही देंगे, लेकिन देना पड़ेगा। और इसी की वजह से हो सकता है 12,000 rupees टू 14,000 rupees या 15,000 या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उसकी कॉस्ट और बढ़ जाए स्टैंडर्ड की, और मॉडल्स के बारे में मैं नहीं कह सकता। तो दोस्तों, यही था आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए, मैंने ये वीडियो बनाया, थोड़ी मेहनत लगी, ऑफिस वाला आदमी हूँ यार, रेगुलर वीडियो नहीं बना पाता, उसके लिए दोस्तों माफ़ करिएगा। और चलो ठीक है, आपके कमेंट्स का मैं वेट करूँगा, और चूँकि मेरे मोबाइल पे वो अपना यूट्यूब वाला होता ना, वो एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो आप अगर कमेंट करोगे या कुछ पूछते हो आप मुझसे किसी चीज़ के बारे में, किसी बाइक के बारे में, मैं तुरंत आपको रिप्लाई दे देता हूँ या देने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ट्राई करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों कीप हैप्पी, बी हैप्पी, पीस।